So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So अब देखना एग्जाम्स के लिए आपके कुछ ही घंटे बाकी हैं. आई अंडरस्टैंड नर्वसनेस हो रही होगी, टेंशन हो रहा होगा, थोड़ी बहुत रेसलेसनेस वाली फीलिंग आ रही होगी. वो मेरे साथ भी हो रहा है यार, बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ भी हो रहा है. मैं अब स्टूडेंट नहीं रहा, बट मेरे साथ भी होता है. अब भी नर्वसनेस लगता है कि यार पता नहीं कल कैसा पेपर आने वाला है, हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, हाउ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू परफॉर्म. तो आपने इतनी एफर्ट्स लगाई हैं, इतनी मेहनत करी है, तो डेफिनेटली वो नर्वसनेस होना एक नॉर्मल सी चीज़ है. ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को चीज़ें याद रहेंगी नहीं रहेंगी, पता नहीं याद रहने वाला है कि नहीं. देखो ये होता है, नॉर्मल सी चीज़ है यार, मेरे साथ भी हुआ था, हर किसी के साथ होता है. तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अब देखो जो भी हुआ अभी तक जितना भी प्रिपरेशन हुआ है तुम्हारा, किसी का बहुत कम टॉपिक बचा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा रिवाइज करना बचा होगा, देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है. अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं एंड बिलीव मी, आप बिलीव नहीं करोगे, बट इन कुछ घंटों में भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. यू कैन अचीव अ लॉट रैदर दैन बींग नर्वस, रैदर दैन टेकिंग द लोड. अगर आप ये 6 से 7 घंटे जो भी बचे हैं इसको भी अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे ना, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. आप कुछ ना करें, आप मेरा रिविजनरी वॉइस क्लिप्स ही अगर सुनना स्टार्ट कर दो ना, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन से सारे वॉइस क्लिप्स को आप दो बार सुन सकते हो टिल द एग्जाम. और भाई वॉइस क्लिप के थ्रू ही ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सिलेबस कवर हो जाता है, और आप दो बार तो एग्जाम तक नहीं सकते हो. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी कवर नहीं हो सकता, अभी भी बहुत कुछ कवर हो सकता है. राइट अब राइट नाउ ये जो वीडियो बनाया है मैंने रात को 1 बजे, दैट इज टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर टुमारो एग्जाम. क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है. सबसे पहली चीज देखना, जब पेपर आपके सामने आने वाला है, जब पेपर आपके सामने आएगा, तो पेपर जब आपके सामने आएगा ना, आपको अपना 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है उसको ढंग से यूटिलाइज करना है. मेक श्योर कि आपका जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है उसमें आप क्या कर लोगे, अपने 3 से 4 बेस्ट क्वेश्चंस फिल्टर कर लोगे. याद रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन. आपने पेपर पूरा ओवरऑल बहुत अच्छा लिख दिया, मगर पहले 2 आंसर्स में आपने ब्लंडर कर दिए, इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन चांसेस हैं कि आपको ओवरऑल कम मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज आपने वैसा इंप्रेशन एग्जामिनर की नजरों में बना दिया है. सो उसी वक्त क्वेश्चन को आप क्या कर लोगे, फिल्टर कर लोगे. अब यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर पहला क्वेश्चन क्या हम कोड ऑफ एथिक्स कर सकते हैं क्या. देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप कोड ऑफ एथिक्स करना चाहते हो कर सकते हो, इफ यू आर वेरी मच श्योर कि कोड ऑफ एथिक्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है. जैसे कि जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, अगर आपको प्रॉपरली हमने क्लास के अंदर गाइडलाइंस सेक्शंस एक्ट सब कुछ डिस्कस कर रखा है, तो आपको सारे रेफरेंसेस आते हैं, तो आप डेफिनेटली उसको पहला क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट कर सकते हो. मगर अगर कोई और ऐसा क्वेश्चन भी है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, मे बी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, मे बी कंपनी ऑडिट का क्वेश्चन, आप उसको अगर पहले अटेम्प्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज एक यूनिकनेस सामने आती है. बिकॉज ज़्यादातर पूरा देश क्या करने वाला है, कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने वाला है. उसके बाद देखना, रीडिंग टाइम आपने यूटिलाइज कर लिया, जब पेपर आपके सामने आएगा तो पहले से अपनी माइंडसेट बना लो कि पेपर कैसा भी हो सकता है. पहले से माइंडसेट बना लो, हो सकता है पेपर भी इज वेरी वेरी सिंपल, हो सकता है द पेपर इज एवरेज. कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, एंड आमतौर पे ऐसा ही पेपर आपको दिखने वाला है. एंड या फिर थर्ड कैटेगरी, द पेपर इज हॉरिबल, बहुत ही टफ पेपर है. उम्मीद करता हूँ, प्रे करता हूँ कि ऐसा ना हो, बट हो भी सकता है, ICAR के एग्जाम है. तो इन तीनों सिचुएशंस में आपने कैसे डील करनी है, इस चीज़ को आपने अभी से मेंटली क्या कर लेनी है, प्रिपेयर कर लेनी है. देखिए पेपर अगर बहुत ज़्यादा सिंपल है, इफ़ द पेपर इज वेरी वेरी सिंपल, एक चीज़ बोलूँगा भाई, एक्साइटेड ज़्यादा मत हो जाना. ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो, छोटी गलतियाँ करते हो, आपने उसे अवॉइड करना है. दूसरी चीज़, अगर पेपर बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा टफ है, याद रखना पेपर कितना भी टफ क्यों ना हो, इंस्टीट्यूट उसमें पासिंग जोन आपको देगा, आपको पासिंग जोन वहाँ पे देगा. वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो पे पेपर बहुत टफ है, तब भी आपको 50 नंबर का तो पासिंग जोन मिलने वाला ही है. अब याद रखना, व्हेन द पेपर इज वेरी वेरी टफ, द चेकिंग इज गोइंग टू बी ईजी, ये माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए. यानी वो 50 नंबर, अगर आपने पैनिक नहीं हुआ, देखो पैनिक हो जाओगे वो 50 नंबर भी याद नहीं रहेगा तुमको, बट अगर पैनिक नहीं हुए, काम हो, तो उन 50 नंबर को तुमने फिल्टर आउट कर लिया, सो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा कि आप वो 50 नंबर बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे, और उसी 50 में आपको 40 भी मिल सकते हैं, बिकॉज द चेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो. और बचे हुए 50 नंबर में 10 तो ले आओगे, 15 तो ले आओगे, और 55-60 नंबर तो ऐसे ही आ गए तुम्हारे. लेकिन अगर वहां पैनिक हो जाओगे, तुम अपना पूरी मेहनत खराब कर दोगे. तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है. राइट
उसके बाद आपने पहले ही क्या कर लेना है, ये चीज़ एनालाइज कर लेनी है कि आपको पेपर में कितना आता है और पेपर कितना लेंथी है। अगर आपको पेपर में 80 मार्क्स आता है, 100 मार्क्स अच्छे से नहीं आता है, सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो आप क्या करोगे, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर, उसी हिसाब से क्या करोगे, अपनी स्ट्रैटेजी वहाँ ड्राफ्ट करोगे कि मेरे को 90 मार्क्स अटैम्प्ट करना है, 85 मार्क्स अटैम्प्ट करना है। अगर पेपर 100 मार्क्स आता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो स्टार्टिंग से आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखनी है कि 100 मार्क्स आता है तो मेरे को पेपर प्रॉपर ढंग से लिखना है, तो आपका एक टाइम कैलकुलेटर साथ साथ दिमाग में चलना चाहिए। दैट एक 4 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे 7.2 मिनट्स ही उसमें देने हैं, उससे ज़्यादा टाइम अलॉटमेंट मुझे वहाँ पर नहीं देना है। तीसरी चीज़, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वायरी रहता है कि सर लेंथ ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा, ऑन एन एवरेज लेंथ क्या होगा। देखो एक चीज़ आपको बता दूं, लेंथ का कोई गोल्डन रूल नहीं है। ऑन एन एवरेज 4 मार्क के लिए एक पेज का कंटेंट सही है, एंड 5 मार्क के लिए 1.5 पेजेस का कंटेंट सही है, राइट। बट लेंथ का कोई गोल्डन रूल नहीं है। हो सकता है एक 4 मार्क का क्वेश्चन हो बट उसकी कंटेंट की रिक्वायरमेंट 2 पेज की हो, जैसे कि कंपनी ऑडिट के सवाल पे हो सकता है, स्टैंडर्ड्स के सवाल पे हो सकता है, कोड ऑफ एथिक्स के सवाल पे हो सकता है, आप वहाँ ज़बरदस्ती उसे एक पेज में समराइज करके मत आना जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्वेश्चन 4 नंबर का है, या क्वेश्चन 4 नंबर का है बट उसके अंदर 12 पॉइंट्स हैं। आपको 12 पॉइंट्स आते हैं बट आप फिर भी उसे 4 पॉइंट लिख के आ जाओगे कि यार क्वेश्चन 4 मार्क का ही है, ये ब्लंडर मत करना। अगर आपको 12 पॉइंट आते हैं और 12 पॉइंट सजेस्टेड में दिए हैं, अब 12 पॉइंट ही लिख के आना वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि एक दूसरा क्वेश्चन हो जहाँ क्वेश्चन ऑल्दो 4 नंबर का है बट आप अगर जब भी आपने स्टडी करा होगा प्रैक्टिस मैनुअल से, सजेस्टेड से, वहीं पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो वहाँ ज़बरदस्ती ना अपनी मर्जी से 1-2 पॉइंट एडिशनल क्रिएट मत करना कि भाई यहाँ तो 3 पॉइंट दिया था, 4 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पॉइंट्स ऐड करने हैं। ऐसा नहीं है, जितना कंटेंट दिया गया था आपको उतना ही कंटेंट लिखना है, बिकॉज नॉर्मली सजेस्टेड भी वैसे ही ड्राफ्ट होता है। ज़बरदस्ती पॉइंट्स ऐड नहीं करने और ज़बरदस्ती पॉइंट्स कर्टेल नहीं करने जस्ट पिक बाय सीइंग द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। यस, ऑब्वियसली आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑब्वियसली इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 4 नंबर का क्वेश्चन मुझे ऐसा भी नहीं करना कि ढाई ढाई पेज का लिख रहा हूँ मैं, 3-3 पेज का लिख रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से मुझे एंड में प्रॉब्लम आने वाली है, और ज़बरदस्ती मुझे कंटेंट को करिटेल भी नहीं करना। अब आप बोलोगे सर इस तरीके से तो हमें उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा भाई, पूरे पेपर में ना तुमको पूरा पेपर अच्छे से नहीं आता होगा, कुछ एरियाज ऐसा है जो तुमको बहुत अच्छा आता होगा, कुछ एरियाज ऐसा है जो तुमको एवरेज आता होगा, और कुछ एरियाज ऐसा है जो तुमको नहीं आता होगा। जो एरियाज आपको बेस्ट आता है वहाँ आप ज़बरदस्ती कंटेंट की कटौती ना करें, वहाँ पे आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, बिकॉज वही एक ऐसा एरिया था जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने वाला था। जब वो वाला कंटेंट आप लिखोगे ना जहाँ आपको एवरेज आता है, वहाँ आपको ऐसे भी एवरेज आता है, आप ज़्यादा लिख ही नहीं पाओगे, तो आपका टाइम वहाँ कम लगने वाला है, तो वहाँ ज़बरदस्ती कुछ भी लिखोगे, कुछ भी भरोगे, इससे अच्छा जितना रेलिवेंट है, जितना आता है उतना ही लिखना। और जो एरिया आपको नहीं आता है वहाँ ज़बरदस्ती आधा घंटा लगा के कुछ भी भरने वाले हो, एंड तुम ये सोच रहे हो कि ऐसा तुमको नंबर देगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा तुमको नंबर नहीं देने वाला उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, तो रैदर आप उसके लिए टाइम 5 या 10 मिनट रिजर्व करना, और उस 5 या 10 मिनट या 15 मिनट में जो लिख सकते हो उतना लिखना। बट जो आपको बहुत अच्छे से आता है वहां कंटेंट में कटौती मत करना, ऑल्दो अलॉटेड टाइम से आपने 1-2 मिनट ज्यादा क्यों ना लग जाए। क्लियर है? प्लस एक छोटा सा टिप और दूंगा, एडवाइस और दूंगा, जब एग्जाम से 1.5 घंटा पहले बचाओ ना, 1.5 घंटे का टाइम बचाओ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या करोगे आप, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पढ़ना बंद कर दोगे। जो हो गया ठीक है, जितना बचा है रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 चैप्टर बच रहे हैं, बचने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस लास्ट के 1.5 घंटे में क्या करोगे, सारे के सारे सेक्शन नंबर्स, सारे के सारे क्लॉज नंबर्स, सारे के सारे ऐसे के नाम नंबर्स, इसको रिवाइज करोगे। मेक श्योर आप इसको रिवाइज करोगे, बिकॉज जो चैप्टर आप छोड़ रहे हो यू डोंट नो, उससे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मगर सेक्शन नंबर्स, क्लॉज नंबर्स, लिमिट्स, अगर आपने ये चीज़ अच्छे से याद कर ली, ये पेपर में कम से कम आपको 10 से 15 मार्क का पुश देने वाला है, और पूरे पेपर में आपको पॉजिटिव रखने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुछ ही घंटे बाकी हैं एग्जाम के लिए, राइट, कुछ ही घंटे बाकी हैं, याद रखना इन कुछ घंटों में भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, यू कैन अचीव ए लॉट। ये आखिरी के कुछ घंटे आपने गवा दिए, आप बहुत कुछ खो सकते हो, और ये आखिरी के कुछ घंटे आपने ढंग से यूटिलाइज कर लिया, बहुत कुछ पा सकते हो, और बहुत ज़्यादा कवरेज कर सकते हो, बहुत अच्छा कवरेज कर सकते हो। सो बिलीव इन योर सेल्फ, जो आखिरी के कुछ घंटे बाकी हैं, गिव योर 500%, नॉट 100%, आप तो कितना दोगे, 500% दोगे, राइट। बाकी आई विल प्रे फॉर यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गिव द एग्जाम्स वेरी वेल, आप एग्जाम्स बहुत ही अच्छा दें, बहुत ही शानदार दें। प्रे करता हूँ कि आप सब क्या बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो, एंड डू लेट मी नो आफ्टर द एग्जाम्स कि आपका एग्जाम कैसा गया।
अगर आप में से कोई टेलीग्राम चैनल पे नहीं है मेरे, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे रिविजनरी वॉइस क्लिप्स अवेलेबल है वहाँ पे, सो दैट यू कैन यूज़ इवन 2 आवर्स बिफोर द एग्जाम। वहाँ भी वो क्या रहने वाला है, हेल्पफुल ही रहने वाला है। सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट गाइज, उम्मीद करता हूँ, यकीन है मुझे कि तुम एग्जाम्स बहुत अच्छा देने वाले हो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली, एंड यू पीपल आर गोइंग टू रॉक द एग्जाम।